बिल्कुल सहमति बन गई है। और 19 तारीख को, अब हमने आपसे ही कहा था, 19 तारीख को जो हमारी मांग प्रमुख मांग मानी थी मोदी जी ने, तो सकारात्मक कदम था। और ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में हमारी परीक्षा बहुत ली गई। गर्मी हमने झेली, सर्दी हमने झेली, बरसात हमने झेली, खालिस्तानी हमने झेला, आंदोलनजीवी हमने झेला, पाकिस्तानी हमने झेला, कुछ किसान हमने झेला, नकली किसान हमने झेला, लेकिन शांति तो मिली है, कुछ खुशी कुछ गम, लेकिन मन के अंदर से खटास अभी निकलेगी नहीं। खुश नहीं हो अभी? 700 किसान हमारे बीच से चले गए, उनकी आत्मा की शांति कुछ मिली है कि आज उन्हें वो झावी होंगे कि उनकी शहादत बेकार नहीं गई, लेकिन हमें तो शांति नहीं मिली अभी। कहा जाता है देर से आए लेकिन आए तो देर से आए, दुरुस्त आए, लेकिन ये चुनावों का भी डर था इन्हें चुनावों का भी डर था। और एक बात और बताना चाहते, लोग कह रहे हैं साहब चुनाव में क्या होगा, किसान यूनियन का आंदोलन इतिहास रहा है, हमारा राजनीतिक पार्टियों से मतलब नहीं, हर सरकार के खिलाफ आंदोलन करिए, लेकिन अगर आपके सामने चार दुश्मन आपके खड़े हों, एक दुश्मन तो ऐसा है कि राइफल लिए खड़ा है और आप में गोली चला देगा, ठीक है, एक दुश्मन ऐसा है कि लाठी लिए खड़ा है, एक ऐसा है कि थप्पड़ मारने को तैयार है, एक दुश्मन ऐसा है आपको गाड़ी बकरा है, तो हम जब चार दुश्मन खड़े हैं तो तुम सबसे पहले कौन से दुश्मन से निपटोगे, जो राइफल लिए खड़ा है, जान सबको प्यारी है। तो 700 किसान चले गए, ये आंदोलन ऐतिहासिक बन गया। तो आपने जब चुनाव की बात कर दी, आप लोग कहते हैं मिशन यूपी, तो वो अभी रहेगा क्या मिशन यूपी? मैंने आपको एक बात कही, हम लोग राजनीतिक लोग हैं लेकिन वोटर भी हैं, और हम अपना नफा नुकसान भी देखेंगे। चार हमारे दुश्मन खड़े हैं, मैंने कही हमारे लिए सभी राजनीतिक पार्टियां कोई सगी नहीं है, दुश्मन है, लेकिन उनमें से बड़ा छोटा देखेंगे, ये बड़े दुश्मन है किसानों के। तो वोट दोगे नहीं बीजेपी? साफ साफ ये बात है। अरे कैसे दे देंगे, इसमें कोई बात है? अरे हमने ऐसा कौन सा किसान है जो लाखों के नुकसान में नहीं है? आप तो याद है, मैं चलो मान लीजिए आप तो अखिलेश के आदमी, इनसे पंडित जी पूछ लो, जाट गुजर तो देंगे ना, ये पंडित जी पूछ लो, इनसे पूछ लो, जाट गुजर तो देंगे, इनसे दो, ये पंडित जी है, ये त्यागी जी है, ये त्यागी, देखिए जाट है मेरठ से, और ऐतिहासिक रैली मेरठ में हुई अभी आपको पता होगा 2 दिन पहले शायद उन लोगों, और ये गवर्नमेंट की तब से नींद उठी मतलब उड़ गई है, और परिवर्तन 100 के 100% संभव है, सरकार नहीं आएगी ये लिख लें आप भी। और भाई जो है जाट उस रैली में कम नजर आए थे सर? जाट बहुत थे, ऐसी बात नहीं है, हरी टोपी नहीं नजर आई? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, टोपी हरी टोपी, जब भारतीय किसान यूनियन राजनीति देखे तो टोपी क्यों लगाती वहाँ भाई? हरी वाइट तो आ जाती, जयंत वाले तो आ जाते, जयंत वाले बहुत गए लोग वहाँ, कई कई किलोमीटर तक लाइन लगी है, ये परिवर्तन चाहता है उत्तर प्रदेश। ऐसी रैली शायद आजाद भारत में हुई नहीं, आयोजकों को ये उम्मीद नहीं थी कितनी भारी रैली होगी, तो जी हैं इनसे पूछ वोट दे देंगे क्या कोई? पंडित जी तो मौका देखते, जिधर उन्हें फायदा होता उधर चले जाते। ऐसे कैसे? ऐसे 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 कैसे? हाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, मैं इस बात से आपसे सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी। हाँ पंडित बहुत तेज चालाक है। अच्छा आप, अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, किस तरफ इस बार बताएं, किसे किस तरफ इस बार, इस बार इसके विपक्ष में है, किसके साथ? पर्सनली एक के साथ नहीं है, जो अभी सही अपनी नीतियों पर काम करेगा हम उसके साथ हैं, और मैं नहीं, हम भारतीय किसान यूनियन के सिपाही हैं, बिरादरी से कोई मतलब नहीं है, जो इस किसान यूनियन से दिल से जुड़ा है वो बिल्कुल विपक्ष में है इसके। यादव जी MSP पर सहमति बन गई क्या आप लोग? MSP पे कमेटी बन गई है, तो सरकार ने ठोस आश्वासन दिया है, और MSP बड़ा मुद्दा है, उसमें ये भी सोचना चाहिए था कि किस तरह से मिलनी है, क्या है कि हर चीज़ के प्लस माइनस होता है, तो जल्दबाजी हमारे लोगों की, हमारे नेताओं की समझ में आई कि इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, बैठ कर चर्चाएँ होंगी, मीटिंगें हुई, प्लस रहना चाहिए, माइनस ना हो। वो तो तमाम लोग कह रहे हैं कि किसानों के पास भी कोई रोड मैप नहीं है, MSP कैसे लागू होगी ना सरकार के पास, वो सब है, सब है, हमारे प्रतिनिधि आएंगे सब बताएंगे, पूरा है, पूरा रोड मैप है। लखीमपुर वाली मांग भी पूरी नहीं हुई आपकी? लखीमपुर वाली मांग बाद में जुड़ी थी, लेकर नहीं आए थे हम, बाद में जुड़ी थी, उस पर बातचीत जारी है। तो शहीद वाली भी तो बाग में जोड़ी है आपने, मौजे वाले भी तो बाग नहीं, तो भाई आज जब शहीद हुए उनका नहीं जोड़ते, शहीद हुए जोड़ते नहीं, तो लखीमपुर वाली पे कैसे पीछे हट गए आप लोग?
पहली बार इस आजाद भारत में, इस अहंकारी सरकार में जितनी कामयाबी इस महान आंदोलन को मिली है कभी आज तक किसी को मिली नहीं होगी। आजादी के बाद देश आजाद हुआ, उठा के देख लेना। आपको नहीं लगता पंडित जी अब बाजी मार जाएगी बीजेपी? आप मुझे एक बात बता दीजिए कि बीजेपी के साथ में कौन कौन से धर्म और कौन कौन सी जाति का वोटर है, पहले तो आप मुझे वो बताइए। पंडित जी तो सबसे पहले, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बीजेपी के पास में किस किस जाति और बिरादरी और धर्म का वोट बैंक है, सबसे पहले आप बताइए। सबका ही है उनके पास, है? कहते मुसलमानों का भी। अरे भाई साहब, उनका एक नारा था, उनका एक नारा था सबका साथ सबका विकास, और आज की तारीख में उनका जो नारा है सबका विश्वास ही जोड़ किसी का साथ नहीं और उनका विनाश, सबका साथ है। और ये किसानों का रह गया है नारा कि सबका साथ सबका विकास, उनका सिर्फ एक ही नारा बचा है उनके पास में, वो उसे दिल से कबूल कर लें, किसी का साथ नहीं उनका विनाश। ब्राह्मण कहा जाएगा फिर, छोड़ गए ब्राह्मण ऐसा है जिसकी नीतियां सही होंगी उसके साथ जाएगा। आप पर्सनली एक, हाँ बहरहाल बीजेपी में नहीं है किसी भी तरीके से, बीजेपी में नहीं है बिल्कुल नहीं। कहा जा रहा है यूपी में दीपक शर्मा नाम इनका। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं संबल जिले का भारतीय किसान यूनियन टिकट का जिला सचिव हूँ। क्यों नाराज हो बीजेपी से? अरे भाई साहब आप ये समझ लीजिए, आज 13 महीने से हम यहाँ पे बैठे हैं, इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि हमने आज तक इतिहास में कई शब्द ना पढ़े ना सुने, आंदोलन जीवी आपने किसी किताब में पढ़ा हुआ लिखा हुआ शब्द पढ़ा है आज तक? नहीं रे, आंदोलन जीवी है परजीवी है। हमें ऐसे ऐसे शब्दों से नकारा गया है, उपाधियां दी। माफी मांग तो ली आपसे, अब क्या चाहते हो और बताइए। अभी भाई साहब मैं अगर उन्हें गाली बक दूं, जूतों से मार दूं, आपको मार दूं तो, और फिर माफी मैं मांग लूं तो उसका निराकरण हो जाता है क्या? उस समस्या का समाधान हो जाएगा केवल माफी मांगने से? माफ नहीं करा आपने, हमें आज भी दिल से ठेस है, हमें इस चीज का संतोष है कि हमने अपनी जो लड़ाई लड़ी है उसे पाके जा रहे हैं, लेकिन एक चीज का दुख है, हम जो 704 किसानों को साथ में लेकर आए थे वो आज हमारे बीच में नहीं है। माफ करा जाएगा तो माफी का तो कोई कॉलम ही नहीं है, कोई कॉलम नहीं, बिल्कुल नहीं, फायदा नहीं होगा यादव जी इस फैसले से सरकार को। सरकार को एक फायदा हो गया, जो इनके MLA प्रत्याशी गांवों में ना घुसते वो घुस जाएंगे। अब इतनी ढील दे दी आप लोगों ने, इतनी तो लोकतांत्रिक देश है, हमारी सीधी सीधी लड़ाई हो रही थी। वोट भी दे सकोगे? वोट तो इन्हें देते ही नहीं, कोई वोट कोई देने वाला नहीं है। देख भाई एक बात बता भैया, तू जो कह रहा चुनाव आता है मुसलमानों से तो वोट मांगते ही ना ये हिंदू मुसलमान पे इलेक्शन लड़े हैं, और आज हिंदू और मुसलमान हो गए एक जगह तो हम क्यों वोट देंगे भाई? नहीं कहाँ एक जगह हो, कौन कह रहा? किसान आंदोलन में जितना किसान मजदूर है ये जाट और मुसलमान, और इनके साथ जो और कार्यकर्ता है वे भी हम सब बॉर्डर पे कम है, गाँव में भी ऐसे एक रहेंगे। इस आंदोलन वोट नहीं मिलेगी, तरह जगह एक एक वोट ये तोड़ेंगे ना दे, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। हाँ जी, सहमति बन गई है, जो किसानों का संघर्ष है एक साल का वो आज सफलता की दौर में है, और उम्मीद करते हैं सब किसान खुशी से घर जाएंगे। बस थोड़ा गम है जो हमारे बीच से जो किसान भाई चले गए शहीद होकर, उनका थोड़ा गम लेकर यहाँ से जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी आत्मा को शांति मिलेगी जो किसानों की जीत हुई है। सरकार ने लंबा समय लगा दिया, सरकार ने लंबा समय लगा दिया, काफ़ी लंबा, अगर सरकार और चाहती तो किसान यहीं पर संघर्ष करने के लिए और भी तैयार थे, जितना भी चाहे मतलब सरकार चाहती किसान यहाँ पर डटे रहते, संघर्ष पूरा करके ही अपनी जो उन्होंने घर वापसी की का प्रण लिया था वो निभा के ही जाते। संयम रखा किसानों ने और जीत हासिल, बिल्कुल संयम रखा और जीत हासिल, इतिहास लिख दिया किसानों ने, बिल्कुल इतिहास लिख दिया, और सबसे बड़ा इतिहास लिख दिया किसानों ने, जो पूरा विश्व पूरा देश ये कहता है मोदी किसी के सामने झुकता नहीं, तो वो किसान और मजदूर जो देश की सबसे बड़ी ताकत है उसके सामने झुका है, लोकतंत्र के सामने झुका है, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, बिल्कुल ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है ना, और सबसे बड़ी संख्या जो है किसान मजदूर की विश्व में सबसे बड़ी संख्या जो है किसानों और मजदूरों की है, जो जिनकी जीत हुई है, और ये ऐतिहासिक जीत है, विश्व में ऐतिहासिक जीत है जो किसानों की हुई। अगर ये आंदोलन इतना लंबा ना चलता ना तो शायद ये किसान इकट्ठा ना हो पाता, इसके लंबे चलने से ही जो है ये जो सरकार ने बीच में हमारे वो खाई बना दी थी हिंदू मुस्लिम की, वो इस आंदोलन के होने चलने लंबे चलने से जो पार दी गई आज, तो ये जो है आगे तो भाई खुशी का दिन है। हाँ खुशी का दिन है, और हम मीडिया को भी साफ धन्यवाद देते हैं, मीडिया भी जो हमारे बराबर हमारी बातों को जो है बोलती रही, कहती रही, निकालती रही, ठीक है।